डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। नेता प्रतिपक्ष सह चंदनकारी विधायक अमर कुमार बावरी के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि विनोद गौराई, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, विधायक के निजी सचिव दिलीप कुमार महतो, बीजेपी के वरिय नेता सह समाज सेवी देवाशीष सिंह के संयुक्त रूप से बरमसिया में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक वीर समरेश सिंह की मूर्ति का आवरण किया गया, जहाँ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उपस्थित रहे। इसमें पूर्व पंडित जयप्रकाश पांडे के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि स्वर्गीय वीर समरेश सिंह बिहार सरकार में पूर्व मंत्री एवं बोकारो विधानसभा के क्षेत्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन हम सब के बीच ना रहने का खामियाजा आज हम सभी को झेलना पड़ रहा है। उनके कोशिश अमर कुमार बावरी आज झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक है और उनके आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। कहा कि वीर समरेश सिंह ने झारखंड को अलग होने में अहम योगदान दिया था और उनके दिखाए गए मार्ग पर अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी में विकास का पथ पर अग्रसर है। पूर्व मुखिया एवं समाजसेवी देवाशीष ने कहा कि दादा समरेश सिंह चंदन क्यारी में बचपन ही यहाँ इनका बीता था और चंदन क्यारी के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। यहाँ कॉलेज, स्कूल, खेल मैदान समेत कई अन्य स्थानों पर उनका नाम लिया जाता है एवं बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाने में दादा के एक अहम हाथ था, इसलिए चंदन क्यारी समेत राज्य के लोग दादा को कभी नहीं भूल पाए। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। बताइए, वनांचल नायक वीर समरेश सिंह का आज हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया, जो माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी का करने का था, क्योंकि माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी माननीय समरेश सिंह का, स्वर्गीय समरेश सिंह का शिष्य रहा और उन्होंने उसके पदचिन्हों पर चलते हुए आज उन्होंने झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं और आगे उनका आशीर्वाद रहा तो वो समरेश, स्वर्गीय समरेश दादा का आशीर्वाद रहा तो और आगे बहुत बढ़ेंगे। विधायक जी इस क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं और इन्हीं का, माननीय समरेश सिंह का ही नेतृत्व के बदौलत आज उन्होंने जहां भी प्रतिष्ठित हुए हैं उनका श्रेय है, उनका आशीर्वाद है और हम लोग चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी के ऊपर बराबर रहे और आगे जाए और आगे बढ़ने का काम करें। हम लोग का यहाँ दिल छू लेना है, ये हो गया कि माननीय दादा का मूर्ति का हम लोग अनावरण कर पाए। दादा एक ऐसे नेता थे कि झारखंड में नहीं ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम दादा ही नाम पर थे और दादा का झारखंड में ऐसा नेता है कि दादा का ऊपर न आज तक कोई इलीगेशन है, न कुछ भ्रष्टाचारी में कुछ लिप्त है। दादा 1984 में झारखंड वनांचल आंदोलन किए थे, गरुड़गाड़ी का जुलूस और जिस नक्शा को 16 जिला लेके दादा कैबिनेट में पास किए थे वही आज वनांचल हुआ है। झारखंड कोई नहीं किया है, सिर्फ दादा किया है। जी काका, आज मूर्ति अनावरण हुआ, बताइए। आज हम लोग का बहुत गौरव का बात है जो दादा का मूर्ति बारामूसिया में स्थापना किए। दादा छोटा से ही
इस बारामसिया अंचल में ही छोटा से ही बचपन से ही यहाँ पर बारामसिया हाई स्कूल में पढ़ा लिखा, फुटबॉल खेला। यहीं पर दादा का छोटा से माने 30 साल तक यहीं पर जाता नाटक थिएटर हर आदमी से मिलजुल करके दादा को बारामसिया से ही हम लोग नेता किए। आज दादा वनांचल नायक, झारखंड का वनांचल नायक हिसाब से दादा को हम लोग जानते हैं। आज दादा इंडिया में वन नंबर यूनियन नेता थे। दादा यहाँ पर जनसंघ पहले लाया था, जनसंघ पार्टी से ही दादा शुरू किया था राजनीति। उसके बाद दादा बहुत तरह का पार्टी किया, लेकिन दादा का मन में बराबर बीजेपी ही अंदर का था। आज दादा के चलते हम लोग वनांचल राज मिला है। आज जो बोलता है हम झारखंड किए हैं, वो किए हैं, ये सब गलत है। कि हम लोग जानते हैं वनांचल दादा इंद्र सिंह रामधारी किया है, नहीं तो झारखंड राज तो 24 जिला लेके था उड़ीसा ही, लेकिन दादा वनांचल राज 14 जिला लेके शुरू किया। और बीजेपी में प्रधानमंत्री अटल जी था, जो अटल जी वनांचल राज माने हम लोग को दिया, नहीं तो वनांचल राज मिलना बड़ा मुश्किल होता। अभी जो बोलता है कि हम अमुक किए हैं, फलना किए हैं, लेकिन कोई नहीं किया है, वनांचल राज दादा किया है। लेकिन जिस टाइम नाम हुआ उस टाइम दादा बीजेपी में नहीं था, इसीलिए वनांचल नाम नहीं हुआ। झारखंड लोग बोला नहीं झारखंड नामे दीजिए, इसीलिए वाजपेयी बोला अच्छा ठीक है, जाइए झारखंड नाम से 14 जिला को वनांचल राज किया। इसीलिए हम लोग का चंदन क्यारी का जनता का गर्व है जो दादा का ऐसा सुपुत्र चंदन क्यारी में जन्म लिया था। आज ज़्यादा बोलने का क्या है, दादा को सब कोई पूरा इंडिया जानता है, पूरा झारखंड जानता है। दादा अमर रहे, हम लोग यही बोल के जय झारखंड जय वनांचल।